जी आपका एक और नई वीडियो में आज आ गया झूठा बम्पर बनवाने। तो कितने दो ट्रैक्टर उधर खड़े हैं और एक ये रहा, ताज लगवा दे रहे हैं। और भैया टूर्नामेंट में कौन सा ट्रैक्टर जाएगा वो आप लोग डिसाइड करोगे, जिद्दी या फिर ये जॉन्टियर, जिसकी ज़्यादा कमेंट वही जाएगा, लेकिन जाएगा एक ही ट्रैक्टर। तो आज बम्पर लगवा दूँ और देखूंगा एक आध काम और है वो और कराऊंगा। तो देखो वीडियो, ये तो रहेगी साइडों की प्लेट, खूब मोटी है, छोटी ना हो जो साइडों में से यहाँ से ऐसे ऊपर हो जाएगी। और ये इसका वो बनाएगा जो बीच में, मतलब जो बीच में कवर करेगी वो रही। और मत्था इसमें यार ये ज़्यादा चौड़ा लग रहा है, मैं सोच रहा हूँ 7 इंची बनवाने का। ये रहा, ये 8 इंची है तो 7 इंची करवाऊंगा इसे, एक यहाँ से इतना तो अच्छा लगेगा। अब चल रहा काम, अब ट्रैक्टर अंदर आएगा। ये मत्था हो रहा था करीबन 9 इंची, मैंने इसे करा पूरा 7 इंची, 9 इंची ज़्यादा चौड़ा हो रहा था तो ऊपर से कटवा आएगा। और ये वेल्डिंग जेल्डिंग तो सब सिलेंडर मराएगा जब आएगी फिनिशिंग। ये बन गया मत्था और उधर चल रही है उसका पक्के से जो ये वो तैयार हो रहा है, उसके बाद में देखेंगे क्या हो, जो जो काम देखेंगे आज कराना तो है ही कुछ ना कुछ। और लो जी कर दिया, उधर से दिखूंगा यार, इधर से ना दिखेंगे तो साला मौसम और ऐसा हो रहा, देख घटा घटा सी हो रही है, पता ना क्या होगा। लंबाई ज़्यादा भी ना कम भी ना, सही है। अभी तो आधा ही लग के कलर वलर होके जब आएगा मुझे नीचे भी, मैंने साली ये ना दो दो प्लेट कराई क्योंकि हल्की चौड़ाई भी बढ़ गई और थोड़ी यहाँ सपोर्ट भी बढ़ गया। रुक जा तो तेरी काम कर, विपिन बेटे सीख लो कुछ, सीख नीचे मार टक्कर, नीचे नीचे यहाँ पत्ती आएगी, रुक जा और बिल्कुल नीचे मार दिया। आगे से तो ऐसा लग रहा और साइड से मतलब सही है, ये लोग अभी कलर वलर होगा, अभी तो काम चल रहा है। कलर वलर होने के बाद में इसमें से बनेगी हिच जो आगे लगेगी, उसके नीचे यहाँ से जब आएगा, अभी प्लेट व्लेट लग कर कलर वलर होगा जब आएगा कलर में। लंबाई पूरी 27 इंची बैठी है इसकी, पर अगर ज़्यादा बने है वो कोई 32 कह रहा, कोई कुछ कह रहा, 32 तो बैठेगी यहाँ आ गए तो उससे क्या फ़ायदा ज़्यादा बड़ी इसे, तो यही सही है अपना। और इधर से और दिखाऊंगा एक बार, अभी तो कंकाल सा लग रहा है इधर से तो। और फिनिशिंग देखो कहीं से, मतलब यहाँ से हल्का सा सिलेंडर का पता कर रहा है, उन्हें कोई बताना था कहाँ से जॉइंट है कहाँ से कहाँ, तो दूर से तुम ही बता दियो कहाँ से है। ये बन गई नीचे वाली, मतलब अभी तो फ्रेम का बना है इसका नक्शा, नीचे वो हिस्ट्री जो बन जा रहा है यार, समझ में आ रहा है जब पट लगवाऊँ या खड़ा करके लगवाऊँ, देखेंगे जब जो आ जाए तो अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लगने लगा ट्रैक्टर लाइन तो आगे अलग ही आ रही है, अलग ही आ रही है, ऐसा ही लगवाएंगे दिल्ली में थोड़े दिन बाद में, उसको बुला के यहीं पर ऐसा ही कर पाएंगे। वेल्डिंग पहाड़ जब तक रोड पूरी ना हो जाए जब तक हटेगी ना रोड, कलर वलर होके अभी तो अंदर प्लेट लगेगी जब आएगा फिनिशिंग। ये भी यू पाइप देखो, उन्होंने खुद का तैयार करा हुआ है यू पाइप, जो एड्रेस वैड्रेस सारा दूंगा यार इसी वीडियो में, ऐसे करके मतलब खुद मॉडिफाई करा है उन्होंने, शायद इसमें एसी में लगेगा इसमें।
पूरा पूरा कल तक तो प्रोग्राम था वहाँ पे पंजाब जाने का, तो भाई पंजाब में बम्फर बनवा के लाएंगे, लेकिन निखिल भैया का फ़ोन आया तो इन्होंने ये दुकान बताई ही, इनका ये एड्रेस है, मोबाइल नंबर है। तो भाई बिल्कुल पंजाब जैसा काम हो रहा है यहाँ पर, बिल्कुल ये पंजाब से आए हुए हैं, मतलब मिस्त्री वगैरह इनके, और ये भी खुद भी पंजाब के हैं। देखो दो दो ट्रैक्टर तो उधर खड़े हैं, एक न्यू हॉलैंड खड़ा है, इसमें भी बम्पर लगाएगा पंजाब वाला ही, और एक वो ट्रैक्टर है मैसी, वो नया होगा, एक मैसी अंदर भी है मैंने देखा, वो बिल्कुल नया हो गया, मतलब प्रिंट वगैरह सारा सिस्टम यहाँ पे होता है इनके यहाँ पे। इनसे बात कराता हूँ आपकी, और मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ इसी वीडियो में दूंगा। एक अपना हो रहा अपना तैयार हो रहा है, एड्रेस बताओ और मोबाइल नंबर बताओ। नमस्कार जी, मेरा नाम अर्जुन गोदारा, एड्रेस है जी पिठौर स्टैंड से पढ़ना के लिए सड़क कटती है, वहाँ से मात्र 200 मीटर दूर पे। अच्छा, हाँ मेरठ में ही पड़ता है, परीक्षितगढ़ मेरठ मेन तो ये है। हाँ तो आपने नंबर है जी अपना 8077150758। ठीक है, आप क्या क्या चीज़ तैयार करते हो यहाँ पर जी? हमारे पास क्या नाम है जी, रंग बंग होना किसी भी मशीनरी पे, हाँ ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन होना, जैसे कोई पुराना ट्रैक्टर है उस पर पेंट वेंट करके सब तरीके से जी। अच्छा। नया करना, बम्पर हुआ, छतरी हुई जी। तो जैसे आजकल पंजाब के बम्पर ज्यादातर फेमस हैं, हर कोई कोई भी हो जिसे चाहिए पंजाब का चाहिए जी। तो वो बना देते हो आप? हाँ जी, सब तरीके के बम्पर अपने पास बनते हैं जी भाई। तो एक पंजाब स्टाइल जी नंबर 1 पे चल रहा है, वो ट्रेंड में है, वो सबसे ज्यादा बन रहा है। अभी हमारे पास एक 6 फुट का बनवा के गए थे जी, 6 फुट का बम्पर। अच्छा, तो आपने ये जो ट्रैक्टर तैयार कर रखा है, इन्होंने भाई एक ट्रैक्टर तैयार करा है, 80 मॉडल है या 90 मॉडल ये तो पता ना, लेकिन तैयार करा है पूरा रीप्रिंट मरघाट वगैरह ये सारे सिस्टम में दिखाता हूँ आपको। अब इसमें आपने क्या क्या काम करा? इसका जी पूरा इसका दोबारा से कराया जी, इसका पूरा पूरा जी। तो इसमें कितने का खर्चा आ गया होगा करीबन? ये जी पेंट दो क्वालिटी के पेंट है जी, एक तो ये है 10-12 साल क्वालिटी का, इसका ये है 25,000 का जी। अच्छा। एक थोड़े लो क्वालिटी का है वो 15,000 का जी, ये 2X आता है, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। अच्छा, 10-12 साल आराम से चल जाएगा और कोई काम ना हुआ इसमें। तो मरघाट तो दूसरे है ना ये बनवाया? हाँ जी, ये अलग मरघाट जी, नए वाले में दूसरे चेंज किए हैं आपने, क्योंकि इसमें तो वैसे मरघाट आते हैं साइड वाले हल्के से। इसका जी ये बनाया, हिच बनाया है जिसका। अच्छा, तो हिच कितने रुपए किलो बना देते हो? हिच की वही बनाई है जी, एक के नाम है 110-115 भाई। मतलब पंजाब जैसा काम हमारे अब यूपी में ही होने लगा है, और ये देखो एक ये हो गया हमारे वाला तैयार, देखो पूरी लुक बिल्कुल पंजाब जैसी है। और वेल्डिंग अभी तो देखो इस पर ग्लैंडर वगैरह पुट्टी वगैरह भरी जाएगी, लेकिन वेल्डिंग देखो खतरनाक है एकदम। और एक ये बम्पर तैयार हो रहा है इनका, ये देखो एक ये रहा पंजाब वाला, ये भी ये बहुत मोटी प्लेट में, मतलब बहुत अच्छी फिनिशिंग दे रहे हैं। और जो बम्पर किस रेट में बना रहे हो? बम्पर बना जी अपने 120 रुपए किलो पंजाब वाला, या कैसा ही बनवा लो? भाई कैसा भी, सब 120 रुपए। और जैसे कोई फोन करे ऑनलाइन सर्विस, मतलब सर्विस भी वैसे? हाँ, मतलब जैसे दूर का हो फोन करे तो हो जाएगी भाई? बेशक फोन करके अपना ट्रैक्टर का नाम बताओ, और बेशक दूर से ही मंगवा लो कोई ना, होम डिलीवरी भी मिलेगी यही है। और भैया कुछ सब सामान बनता है यहाँ पर, फ्रिज हो कोई भी हो, और हमारा भी तैयार होने वाला है, ऊपर की प्लेट वगैरह रह गई है यही है, आलू की मशीन हो, ये बम्पर देखो, मतलब हर सामान तैयार है। तो भैया मोबाइल नंबर और इनका एड्रेस एक बार और दिखा दूँ मैं, ये परीक्षितगढ़ में है वो, लो इनका बोर्ड दिखा दूँ, एक वो खड़ा एक वो खड़ा, 2-3 ट्रैक्टर सुबह से चले गए, ये इनका बोर्ड है, ये मोबाइल नंबर दिख रहा होगा देख लो, और फाइबर वगैरह आ जाओ एक बार। तो भैया जैसा कोई फाइबर छतरी लगवाए तो वो किस रेट में लगा के दो? कम्प्लीट यू पाइप वगैरह सब वो है जी 11,000 रुपए की, न्यू हॉलैंड वाली। अच्छा, कम्प्लीट वाली। और जो दूसरी है जी वो 18,000 रुपए। मतलब जैसा माल लोगे उस हिसाब के पैसे हैं। क्वालिटी ऐसी है जो आप इस पर 7-8 आदमी खड़े कर ले उसको, ये ना टूटने की, सिंपल वाली भी ये वाली। हाँ हाँ,
और क्या क्या सामान मिलता है आपके पास में भाई? ट्रैक्टर का जो भी सामान है ना, मतलब मॉडिफिकेशन से रिलेटेड, वो टोटल सामान मिलेगा, सब टोटल सामान। हाँ जी, इनका मोबाइल नंबर मैं और डाल दूँगा वीडियो में, तो किसी भी भाई को मरघट वगैरह जो ये मरघट पुराने थे ये तैयार किए हुए हैं, अब इन पर रीप्रिंट होगा ग्लैंडर ग्लैंडर से होकर हो गए ग्लैंडर उस हिसाब से लगा, कोई बता ना सके कहाँ बिल्डिंग है कहाँ क्या है, पूरी फिनिशिंग है मामला। सारा काम ख़त्म हो गया, अब रह गया पुट्टी का काम और कलर। तो पुट्टी देखो, पुट्टी खिंच रही है पहले तो, फिनिशिंग आई एक नंबर। पहला कहीं से कोई बता ही ना सका कहाँ से बेल्डिंग हुई और कहाँ से क्या हुआ, पता ही ना पड़ रही थी। और इधर जॉइंट का तो कोई पता ही नहीं है, इधर कहाँ था क्या था जॉइंट वॉइंट सब ख़त्म। और कलर होने के बाद में तो जो हरियाणा में बनाते हैं ना उनसे मतलब एक नंबर फालतू ही रहेगा, कम ना रहने का। और जो इसके जख्म फकम हो रहे होंगे वो मिटाने पड़ेंगे। ए यार चीज़ एक बार लगे है, बार बार थोड़ी लगती है। अभी हुई है सिंगल पुट्टी, अभी इसके बाद में क्या क्या होगा इस पर? पट्टी खींचेगी, अस्तर डलेगा, पट्टी अस्तर और फिर होगा प्रिंट। तो तुम एक एक तो ये हो गया, और फिर मतलब तीन बार हो गया, तीन बार पट्टी सी होगी इसकी, इतनी तो गाड़ी पे भी ना लगती है भाई साहब। इतना इतनी मेहनत से बनाया है बम्फर के, बस पूछो मत, बहुत मेहनत से। अब हो रहा फाइनल प्रिंट, इसके बाद में कुछ ना सीधे घर, साले 9-10 बजे के सुबह का आए हुए हैं, और ये भी बेचारे सुबह से ही लग रहा है। चमक चेक करो एक बार, सुबह तक पता ना कैसा रहेगा, हम बारिश में जा कोई दिक्कत थोड़ी आएगी पानी से इस पर। अच्छा, हमारे इस पर मर गई, इस पर जाली जाली पे कपड़े से पकड़ लेंगे नहीं देर में, क्योंकि ये नया लगेगा वो पुरानी लगेगी। एक बार फिर मरवा देंगे जब आएंगे ना दोबारा, जब एक बार फिर मरवा देंगे कलर। भाई शाइनिंग तो बढ़िया आ रही है, देखो खूब बढ़िया शाइनिंग आ रही है। तो नहीं कह रहे लंबाई ज़्यादा हो जाएगी कहीं ना भी, सही है भाई। बारिश का मौसम और रात भी बज लिए 9-10, और घर पहुंचते पहुंचते बजेंगे कम से कम 12। तो भैया बम्फर यार पूरा दिन ही लग रहा साला, पूरा दिन का मतलब ऐसे टाइम से आए जो सुबह ही आ जाए, और शाम तक तो मुश्किल ही लगा मेरे को यार। तो भैया यही थी वीडियो, और क्या क्या कराना है भैया कमेंट करके सारे भाई जरूर बताइए, जो जो आप बताओगे वही कराऊंगा।